प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी है ये जानकारी। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गीतकार भूपेन हजारिका को प्रदान किया भारत रत्न सम्मान। नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेगी प्रदेश सरकार। स्वतंत्रता दिवस के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई एडवाइजरी। मदरसों में झंडारोहण के साथ देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की गई अपील। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रजेश और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को ऐसे समय में संबोधित करने जा रहे हैं जब आज से एक हफ्ते बाद उन्हें 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले 27 मार्च को सैटेलाइट रोधी मिसाइल द्वारा एक सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता भारत द्वारा हासिल किए जाने की घोषणा करते हुए राष्ट्र को संबोधित किया था। आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 3 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न पाने वालों में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गीतकार भूपेन हजारिका को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मान प्रदान किया, जिसमें से भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों को कमतर करने का पाकिस्तान का फैसला दुनिया के समक्ष द्विपक्षीय संबंधों के बारे में चिंताजनक स्थिति पेश करने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर भारत का फैसला लोगों को विकास के अवसर दिए जाने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जिससे उन्हें पहले वंचित रखा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत पाकिस्तान से अपने कदमों की समीक्षा करने का अनुरोध करता है ताकि कूटनीतिक बातचीत के सामान्य माध्यम को बरकरार रखा जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर खेद जताता है। पाकिस्तान ने लाहौर से भारत के अटारी स्टेशन तक आने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को बाघा में रोक दिया है। पाकिस्तान ने अपने रेलवे ड्राइवर और गार्ड पर सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए समझौता एक्सप्रेस को आगे भेजने से मना कर दिया है, जिसके चलते ये गाड़ी पाकिस्तान स्थित बाघा स्टेशन पर खड़ी हो गई है। भारतीय रेलवे के चालक दल के 3 सदस्य समझौता एक्सप्रेस को बाघा से अटारी सीमा तक लाने के लिए गए हैं। समझौता एक्सप्रेस जो कि लाहौर और अटारी के बीच में चलती है, 14607 एंड 14608 ये ट्रेन चल रही है। आज दिन में कुछ पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने इशू रेज किए थे कि इसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं विद रिगार्ड टू क्रू एंड गार्ड ऑफ द ट्रेन। वी हैव टोल्ड देम दैट सिचुएशन दिस साइड इज परफेक्टली नॉर्मल, यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, बट समहाउ उन्होंने अभी ट्रेन जो है वाघा साइड पे खड़ी है, उसमें करीब 110 पैसेंजर हैं। हमने उनको बोला है कि इनकेस ऐसा कोई इशू है तो हम अपनी तरफ से क्रू एंड गार्ड भेज देते हैं, हमारा इंजन ऑलरेडी वहाँ पे यहाँ से अटारी से चला गया है, वो ट्रेन हम वाघा से अटारी लेके आएंगे और उसके बाद इस साइड में भी करीब 70 पैसेंजर हैं जो वेट कर रहे हैं जो उसमें जाएंगे, और इसलिए ये कहना कि ये समझौता एक्सप्रेस कैंसल्ड है ये सच नहीं। समाचार अभी और भी है लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। नमामि गंगे रमता जोगी बहता पानी, दोनों की यही कहानी, अविरल धारा होगी जब निर्मल गंगा होगी तब सद्बंधु की जान है
अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैंने वादा किया था। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश सरकार इस दिन 22 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेगी। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान आज वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के जैतीखेड़ा में पौधारोपण करेंगे। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से प्रदेशवासियों को जोड़ने के लिए प्रत्येक जनपद में पंचवटी, हरिशंकर, नवग्रह वाटिका और स्मृति वन के रूप में वृक्षारोपण कराए जा रहे हैं। आपको पता है कि 9 अगस्त अगस्त क्रांति का दिन है, जो भारत छोड़ो आंदोलन के 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 अगस्त के दिन हमारी सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक दिन में 22 करोड़ वृक्षारोपण करने का जो लक्ष्य लिया है, संकल्प लिया है, उसको 9 अगस्त को एक ही दिन हम 22 करोड़ पूरे प्रदेश में पौधारोपण करेंगे। उसमें वन विभाग और प्रदेश के तमाम विभाग के लोग, इस प्रदेश के किसान, नौजवान, वकील, कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाओं के अंतर्गत नवीनीकृत वीवीआईपी अतिथिगृह, कृषि शिक्षा संग्रहालय का लोकार्पण सहित अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स छात्रावास और अन्य भवनों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मीडिया से बात करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि जब से प्रदेश में योगी सरकार आई है, हमने कृषि शिक्षा पर बल दिया है। प्रदेश में 20 कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 17 केंद्रों की सहमति आईसीआर से मिल चुकी है। भूमि का चयन भी कर लिया गया है और वहीं के लिए 3 के लिए प्रक्रिया भी चल रही है, जिनको भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 150 करोड़ से अधिक की धनराशि विभिन्न विश्वविद्यालयों की परियोजनाओं के लिए देकर ये कोशिश की गई है कि विश्वविद्यालयों में कृषि पाठ्यक्रम ठीक तरह से चलाए जाएं और विद्यार्थी यहां से कुशल और योग्य होकर निकलें। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने मंगलवार को फैसला लिया है कि प्रदेश के किसानों को करीब 24,000 मीट्रिक टन जिप्सम उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से 50% अनुदान के अतिरिक्त 25% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि इस प्रकार हमारा प्रयास है कि भूमि की गुणवत्ता और सूक्ष्म तत्वों का समावेश ठीक प्रकार से किया जा सके। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, हम लोगों ने कृषि शिक्षा के ऊपर भी बल दिया है। प्रदेश के भीतर 20 कृषि विज्ञान केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 17 के लिए सहमति आईसीआर ने हमको दे दी है और उसके भूमि का चयन कर लिया है। 3 प्रक्रिया के भीतर है, जिनको हम जल्दी ही पूरा करने वाले हैं। पिछले 2 साल के भीतर 150 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न परियोजनाओं के लिए हम लोगों ने देकर के कोशिश ये की है कि विश्वविद्यालयों के भीतर कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चलाए जाएं और हमारे विद्यार्थी यहां से कुशल और योग्य होकर के निकले हैं। मंगलवार को कैबिनेट ने इस बात का फैसला किया हुआ है कि हम प्रदेश के किसानों को 24,000 मेट्रिक टन के करीब हम जो है वो उन्हें जिप्सम उपलब्ध कराएंगे। भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से 50% का अनुदान था, उस पर भी हमने 25% का टॉप अप राज्य की ओर से दिया है और इस प्रकार से हमारी ये कोशिश है कि भूमि की गुणवत्ता का और उसमें जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उन तत्वों का समावेश ठीक से किया जा सके। सरकार ने 2022 तक हर गरीब का पक्का मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जिसके लिए सरकार प्रयासरत है। इसी लक्ष्य के तहत केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विकास भवन सभागार फतेहपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 220 ग्रामीण लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र का वितरण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर प्रशासन की जवाबदेही के साथ जनता की भी जागरूकता जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता चाहते हैं जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना से छूटे लाभार्थियों को चिन्हित कर सूची में शामिल किया जाएगा। वहीं लाभार्थियों ने प्रमाण पत्र पाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास के लिए धन्यवाद दिया और खुशी जाहिर की, क्योंकि जनता के अंदर ये लगता है कि जबकि लिस्ट है लेकिन लिस्ट में लगता है कि हमें जल्दी मिल जाए। अब मिलना सबको है तो उनको लगता है कि हम कुछ दे देंगे तो जल्दी मिल जाएगा। इसमें जनता को भी जागरूक होना चाहिए और मेरा आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी अनुरोध है कि इसके लिए जागरूक करिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी पारदर्शिता चाहते हैं और भ्रष्टाचार खत्म हो, इसके लिए भी हमारी सरकार पूरी तरह पारदर्शिता से काम कर रही है। अरे बहुत खुशी है, आज तक कोई नहीं देने वाला था वो आज मिली हमें, ये श्रेय प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री अच्छा किया हमारे साथ। श्रेय हम तो प्रधानमंत्री को कि हमको दे दिया, इतनी व्यवस्था किया बिना किसी सिफारिश के मिला। पहले तो बहुत मुसीबत थी घर में, कहीं चूता है, कहीं ये है, कहीं वो है, तो अब जो है बन गया, अब स्टार्ट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी ने आज सुल्तानपुर के अपने एक दिवसीय दौरे में क्षेत्रवासियों को कई सौगातें दी हैं। श्रीमती गांधी ने आज बस स्टेशन बल्दीराय से धनपतगंज के लिए दो नई बसों की सौगात दी है। वहीं सुल्तानपुर में बस स्टेशन पर अपने संबोधन में कहा कि अराजकता दबंगई के कारण जिस क्षेत्र में सरकारी बसों का संचालन बंद हो गया था उस क्षेत्र में अब उनके रहते सरकारी बसों को चलने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि डग्गामार बसों का अब किसी भी हाल में संचालन नहीं हो पाएगा। श्रीमती गांधी ने कहा कि जिले को बहुत ही जल्द 5 वातानुकूलित बसों का तोहफा भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कादीपुर जर्जर बस स्टेशन के जीर्णोद्धार के लिए भी उनका प्रयास जारी है। जयसिंहपुर के गोरेगांव में आयोजित कार्यक्रम में सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सांसद मेनका गांधी ने कहा कि आज जिस क्षेत्र के 10,000 स्वयंसेवी समूहों की महिलाओं ने स्वरोजगार अपनाकर अपने जीवन को बदल लिया है। उन्होंने कहा कि सैनिटरी नैपकिन बनाने के आधुनिक मशीनों को उद्योगपति पंकज मुजाल द्वारा उपलब्ध करा करके उन्हें नया जीवन दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वो समूह की महिलाओं का इसी प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। अब देखिए शुरुआत तो हुई है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ चीज़ें दे रहे हैं। इस ये जो मशीन है, कम से कम 1,000 औरतों का फ़ायदा इससे होगा, कम से कम। और मेरी कोशिश ये होगी कि 10,000 समूह के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते रहें। जो भी हो रहा है, आज बसें भी आई तो यूपी की सरकार से तरफ से आई ना, मैं धन्यवाद देती हूँ मुख्यमंत्री के कि हमारी हर मांग को ऐसे ऐसे पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अगर पाकिस्तान का विकास अच्छा करना है और गरीबी हटानी है तो भारत के साथ उसे अच्छे संबंध रखने होंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले आज ताज नगरी आगरा के सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रही थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया है, इससे माहौल बदलता जा रहा है और मोदी जी के पक्ष में जनता आ रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और यहां पर्यटन को बढ़ाने के लिए कई निजी निवेशकों से आने की अपील की गई है। जो 370 कलम हट चुका है, 35A कलम हट चुका है और वहाँ मतलब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया है, लेकिन बाद में अगर वहाँ पूरी शांति फैल जाएगी, वहाँ एक बार डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी, वहाँ का टूरिज्म बढ़ाने के लिए मतलब सरकार की कोशिश है कि हम सभी कंपनी वालों से बात करने वाले है, रिलायंस है, अंदानी है, अदानी है, टाटा है, बिरला है, गोदरेज है, मफतलाल है या गरवारे है या अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े है, तो उन लोगों को भी हम अपील करेंगे कि वहाँ जाकर आपका धंधा करो
तो पूरे मतलब कश्मीर का, जम्मू का, लद्दाख का पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा। समाचार अभी और भी है लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध समझी। अरे वाह। स्वतंत्रता दिवस के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि मदरसे में झंडारोहण के साथ साथ देशभक्ति गीत की प्रस्तुति हो, बच्चों को राष्ट्रभक्ति के मायने, शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ वृक्षारोपण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने बताया कि बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। इस बार 15 अगस्त के अवसर पर, खासकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, सारे ही मदरसों को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की तरफ से एक एडवाइजरी 8 बिंदुओं पर जारी कराई गई है। उस 8 बिंदुओं में खास करके झंडारोहण का आयोजन, उसके साथ साथ जनगण मन का आयोजन होगा, राष्ट्रगान गाया जाएगा, उसके बाद जो बलिदानी रहे, जिन्होंने देश के लिए, देश की आजादी में बलिदान दिया, उनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा, उनके बारे में बच्चों को बताया जाएगा, राष्ट्रभक्ति के गीत की स्पर्धा कराई जाएगी, साथ ही वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, तमाम वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे और इन सारे कार्यक्रमों की एक पूरी रिपोर्ट जो 1 सप्ताह में सारे मदरसों को शासन को उपलब्ध करानी होगी, जिसके फलस्वरूप हम सब बच्चों को वहां पर पुरस्कृत करेंगे। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने 15 अगस्त के लिए सलाह दी है कि 15 अगस्त को राष्ट्रगान के साथ झंडा फहराने और मदरसों में बच्चों को देशभक्ति के पाठ पढ़ाने की भी गुजारिश की। आजादी के बाद से देशभर के सभी मदरसों में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, साथ ही राष्ट्रगान भी गाया जाता है और इस दिन मदरसों में 15 अगस्त, 26 जनवरी और आजादी का महत्व भी बताया जाता है। मेरी तमाम मदरसों से गुजारिश है कि इस बार भी पहले की तरह जश्न मनाएं ताकि किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका न मिले। क्योंकि जिस दिन से मुल्क आजाद हुआ, उस दिन से लेकर के आज तक तमाम मदारिस में, पूरे मुल्क भर के, पूरे यूपी भर के तमाम मदारिस में 15 अगस्त, 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर फ्लैग होस्टिंग भी की जाती है, नेशनल एंथम भी पढ़ा जाता है और तमाम मदारिस में इस मौके पर शानदार प्रोग्राम में उलमा इकराम मदारिस के बच्चों को और दीगर लोगों को मुल्क की जो जंग आज़ादी की सही तारीख है उससे भी वाकिफ़ कराते हैं। हमेशा की तरह इस साल भी 15 अगस्त को अपने अपने मदारिस में फ्लैग होस्टिंग भी करें, नेशनल एंथम भी पढ़ा जाए और शानदार तकरीब का इनेकाद भी किया जाए, जिससे कि किसी को कोई एतराज़ का मौका ना मिले। गोंडा में मनकापुर तहसील के छपिया के प्राइमरी स्कूल दरियापुर में स्कूल के एक कमरे की छत आज सुबह ढह गई, जिससे 11 बच्चे घायल हो गए हैं। घटना के बाद घायल बच्चों को छपिया सीएचसी में भर्ती कराया गया। सीएचसी से गंभीर रूप से घायल 6 बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। 6 बच्चों के सिर पर गंभीर चोट आई है। शिक्षकों, रसोइयों ने बच्चों को कमरे से बाहर निकालकर स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सीएचसी छपिया में इलाज के दौरान 6 बच्चों की हालत गंभीर रही। इन बच्चों के सिर में काफी चोट आई है और उन्हें सीएचसी से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि स्कूल की छत गिरने से 6 गंभीर बच्चों का इलाज जिला अस्पताल में हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा के प्राथमिक विद्यालय की छत गिरने से प्रभावित बच्चों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना से प्रभावित बच्चों को हर संभव सहायता एवं उपचार उपलब्ध कराया जाए। जनपद गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र में दरियापुर गांव है, वहां के प्राथमिक विद्यालय की छत का हिस्सा आज गिर गया है, जिसमें उस समय कक्षा में 10 बच्चे थे, जिनमें से 8 को सीएचसी छपिया लेके जाया गया, वहां से 8 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोंडा लाया गया। मेरी सीएचसी के डॉक्टर और यहाँ के डॉक्टर से बात हो गई है, सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, ये घबराने की बात नहीं है, बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। डीएम साहब के पास ऑलरेडी इसकी इन्फॉर्मेशन है, डीएम साहब इस समय छपिया में ही है और वो इस समय वहाँ पे देखेंगे।
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद राज्य के लोग बदलाव की इस बयार को गले लगाने के लिए तैयार हैं। राज्य के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लागू धारा 144 के बीच हालात अब सामान्य हैं। वहीं पुलिस और सुरक्षा बल सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरत रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद राज्य में हालात अब तेजी से सामान्य हो रहे हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद लोगों के दिलों में सुकून देखा जा रहा है। राज्य में शांति और अमन की बयार को लोगों की जिंदगी में खोलने के मकसद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त राज्य के दौरे पर हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए डोभाल विश्वास बहाली के कदम के तहत लगातार स्थानीय लोगों से मिल रहे हैं। अजीत डोभाल कल शोपिया में आम लोगों के साथ भोजन और बातचीत करते नजर आए। उन्होंने स्थानीय लोगों को भरोसा दिया कि उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। डोभाल ने इलाके में मौजूद पुलिस कर्मियों से भी मुलाकात की और पिछले कई सालों में राज्य में स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने में उनकी भूमिका की सराहना की। उन्होंने पुलिस कर्मियों से कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस सर्वश्रेष्ठ पुलिस बलों में से एक है और उसका हमारे लिए विशेष स्थान है। अनुच्छेद 370 हटने के फैसले पर सभी इलाकों में सकारात्मकता देखी जा रही है। आप लोग मजबूत हैं कि नहीं? जम्मू कश्मीर पुलिस कितनी मजबूत है? मगर आप बताओ कि कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल सर, कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा जो है इसने अपना परचम ऊंचा रखा है, हिंदुस्तान का परचम ऊंचा रखा है। हमारी काबिलियत है, हमने 90 से लेकर जब से मिलिटेंसी यहाँ शुरू हुई आज तरक्की होती है, टोटल प्रमोशन होते हैं, रिवार्ड होते हो रहे कि नहीं हो रहे? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने सीआरपीएफ के जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने जिस कामयाबी से अपने कर्तव्य को निभाया है वह काबिल-ए-तारीफ है। कश्मीर के अंदर सीआरपीएफ के लोगों ने जो सेवा दी उसका कोई मुकाबला नहीं। हमको मालूम है कि सीआरपी जो फोर्स है हमारे देश की, उसमें पूरे देश को जो ड्यूटीज आपने की हैं, छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ड्यूटी तक, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर अगर समस्या आई हो या जहां पर राष्ट्र को जरूरत पड़ी हो अपने बल की और अपने उसकी प्रयोग करने की, जहां पर सीआरपी नहीं है। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो लॉ ऑर्डर हो, चाहे कम्युनल राइट्स हो, और जहां जहां वो गई है जिस कामयाबी से उसने अपना फर्ज निभाया वो हम सब के लिए बहुत ज़्यादा उसका विषय है। कश्मीर के अंदर में विशेष परिस्थिति, कश्मीर और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया के अंदर में ये दो खास जगह हैं जहाँ पर सीआरपी के लोगों ने बहुत उत्कृष्ट सेवा दी। जहाँ पर आप लोगों ने जो सेवा की है उसका कोई मुकाबला नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपनी यात्रा के दौरान राज्य के सुरक्षा मुद्दे और अनुच्छेद 370 हटाने के सरकार के फैसले पर लोगों के साथ विचार विमर्श किया। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद कश्मीर में सुरक्षा के कड़े कदम उठाए गए हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य में हालात जल्द से जल्द सामान्य हो और आवाम आम जिंदगी सुकून से जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले कई वर्षों से कश्मीर में लागू धारा 370 और 35 से हटने के बाद जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं इत्र के लिए मशहूर कन्नौज जिले में इत्र कारोबारियों में भी अलग खुशी दिखाई दे रही है। इत्र कारोबारी विपिन दीक्षित ने बताया कि कन्नौज के इत्र से कश्मीर का बड़ा जुड़ाव रहा है।
कश्मीर में मिलने वाली जड़ी बूटी और केसर से इत्र बनाया जाता है। धारा 370 लागू होने के कारण यहाँ का इत्र व्यापारी जड़ी बूटी और केसर खरीदने के लिए कश्मीर नहीं जाता था और कश्मीरी यहाँ आकर मनमाफिक दाम में बेचा करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से कन्नौज के इत्र व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ का इत्र व्यापारी कश्मीर में इत्र कारखाना डालकर इत्र निर्माण कर सकेगा। इससे कश्मीरी युवाओं को रोजगार मिलेगा और कश्मीर के विकास तेजी से बढ़ेगा। कन्नौज के इत्र व्यवसायियों का कश्मीर से जड़ी बूटियों के माध्यम से केसर के माध्यम से बहुत रिश्ते थे, जो कि वहां के कश्मीरी कन्नौज में आके केसर और जड़ी बूटियां बेचते थे और उससे हम लोगों पे ये प्रेशर रहता था कि जो आ गया उससे उसी के भाव से लें। जाने की हिम्मत नहीं होती थी, प्रायः लोग जाया भी अवॉइड किया करते थे कश्मीर जाने के लिए। हमें लगता कहीं ना कहीं हमारी जड़ी बूटियों के और केसर के रेट की कमी होगी और हम लोग वहां जाके परचेज भी करेंगे, बहुत अधिक फायदा होने वाला है। फैक्ट्री भी वहां लग सकती है। जड़ी बूटियों का ऑयल जो हम कन्नौज में निकालते थे, वहां से रॉ मटेरियल लाते थे, अब वहां पे हम अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं और वहां पर ऑयल निकाल सकते हैं। इसको धारा हटाने में सब व्यापारियों ने स्वागत किया है धारा हटने का, और इत्र व्यापार में कश्मीर से हम लोग जड़ी बूटियाँ और केसर अपना जो जाफरान वही ज़्यादातर हम लोग मंगाते हैं। अभी क्या है वहाँ पे, क्योंकि वही लोग सब करते हैं तो रेट क्या है कि हम लोगों को उनके हिसाब से देना पड़ता है। अब क्या है कि हम लोग खुद जाके वहाँ पे अपना फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, वहाँ अपना क्राफ्ट भी कर सकते हैं, तो अब मार्केट खुलेगा तो मेरे हिसाब से रेट में भी कुछ फ़ायदा होगा और व्यापारी को फ़ायदा होगा। प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव ने आज लखनऊ में कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सरकार कानून व्यवस्था को तत्काल सही कराए, पशुपालकों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार न किया जाए, धन विशेष के प्रति किए जा रहे अन्याय को रोका जाए। इस अवसर पर उन्होंने बिजली दरों की बढ़ोतरी और पटरी दुकानदारों के मुद्दे को भी उठाया। शिवपाल यादव ने प्रसपा कार्यालय से मार्च निकालकर जीपीओ पर आकर समाप्त किया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर हम राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। आज के प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। आजादी मिलने के बाद आज हमारे न तो अमर सपूतों के और जो शहीद हुए थे उनके आज सपने अधूरे हैं। भय भूख और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आज हमारा जो नारा है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको भारत छोड़ देना चाहिए। बाराबंकी में 20 अगस्त से पुलिसकर्मियों को हफ्ते में एक दिन का अवकाश मिलेगा। जनता की सेवा में पुलिसकर्मी सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं, जबकि बाकी विभागों के कर्मचारियों को सप्ताह में एक या दो दिन की छुट्टी मिलती है। लगातार काम की अधिकता के चलते पुलिसकर्मियों में मानसिक तनाव और उनकी शारीरिक दक्षता में गिरावट आती है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब पुलिस को हफ्ते में एक दिन का अवकाश देने का खाका तैयार किया है। इस योजना को सबसे पहले बाराबंकी और कानपुर नगर में बतौर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाना है। इसके तहत प्रत्येक थाने पर तैनात पुलिस बल के 1/7 हिस्से के पुलिस बल को हफ्ते में एक दिन अवकाश मिलेगा। हालांकि अवकाश के दिन संबंधित पुलिसकर्मी को अपने कार्य क्षेत्र में ही रहना होगा और वो जिले भी नहीं छोड़ सकेगा। वो केवल सरकारी काम से अलग रहेगा, लेकिन आपात अवस्था में उसे ड्यूटी के अलावा भी बुलाया जा सकता है। बाकी वो पुलिसकर्मी अपने अवकाश के दिन क्या करता है वो इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। साप्ताहिक अवकाश पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। इसका फायदा केवल निरीक्षक, उपनिरीक्षक से लेकर कांस्टेबल को ही दिया जाएगा, क्योंकि क्षेत्र में इसी वर्ग के पुलिसकर्मी सबसे ज्यादा भ्रमणशील रहते हैं, इसीलिए इन पर ये योजना लागू होगी। बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आरएस गौतम को रोस्टर तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रात 8 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर दी है ये जानकारी।
राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाजसेवी नानाजी देशमुख और गीतकार भूपेन हजारिका को प्रदान किया भारत रत्न सम्मान। नौ अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में 22 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को पूरा करेगी प्रदेश सरकार। स्वतंत्रता दिवस के लिए मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गई एडवाइजरी, मदरसों में झंडारोहण के साथ देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने की अपील। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।